Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 5 of exercise 8.3. Start karte hain. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. देखिए कैसे दिया है, compounded half yearly है यहाँ पर, ठीक है. What amount would he get first after 6 month and second आपको निकालना है after 1 year. Okay, तो principal given है, rate of interest given है, time हमें उसने 2 दिए हैं. First time में कह रहा है 6 month में निकालिए और second time कह रहा है after 1 year. तो देखिए first हमें जब 6 month दिया है तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा हमारा 1/2 year, ठीक है. 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से तो मतलब कितना आ गया हमारा 1/2 year. ओके, तो अभी पहले हम इसके लिए निकालते हैं फिर हम इसके लिए देखते हैं, ठीक. तो पहले यहां से निकालेंगे तो क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकलवा रहे हैं तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना है अमाउंट निकालने के लिए, हाफ ईयर वाला, ठीक है. तो क्या होगा, a इक्वल्स टू पी 1 + r/2 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है, ठीक है. तो रेट यहां पर प्रिंसिपल रखेंगे, प्रिंसिपल है हमारा 60,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12/200 × 2 into half year है ना, तो इसको 1/2, ठीक है. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा इधर 60,000 इंटू, इसमें भी 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया 2 × 6 = 12 और इसको लिखते हैं 1 + 6/100 × 1 रह गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 60,000 इंटू, इसको ऐसे ही लिखते हैं 106/100, क्योंकि नीचे 100 होने से कैलकुलेशन करने में इजी होता है, ठीक है. तो 20 से 20 कैंसिल हो गई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 63,600 rupees. ओके, ठीक है. ये हमारा क्या आया, अमाउंट किसके लिए, हाफ ईयर के लिए, ठीक है. तो फर्स्ट वाले का आंसर तो हमारा आ गया कि हाफ ईयर के एंड में उसको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. ओके, बट अब वो पूछ रहे हैं सेकंड में आफ्टर 1 year. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, आफ्टर 1 year. तो देखिए 1 year में हाफ ईयर का हम निकाल चुके हैं, यहां पर हमने हाफ लिया तो अभी रिमेनिंग कितना हो गया, अगेन 6 month ही रिमेनिंग है क्योंकि 1 year में कितने होते हैं 6 + 6 month मतलब 12 month होते हैं, ठीक है. तो यहां पर भी टाइम क्या हो जाएगा हमारा, रिमेनिंग 6 month होंगे और वो कितना हो जाएगा 1/2 year. ओके, ठीक है, समझ आया. इसमें भी टाइम उसने बोला 1 year है बट 1 year का मतलब क्या है कि 6 month का तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और 6 month लेफ्ट है, ठीक है. तो 6 month का हम इसमें भी निकालेंगे तो अभी कितना हो जाएगा यहां पर, लेकिन अब ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है. ये वाला जो अमाउंट है ये नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल. कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे ही निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू p हमारा ये हो जाएगा 63,600 एंड 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन हाफ हो जाएगा और टाइम 2 × 1/2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 106, बिल्कुल सेम ही है चीजें, तो जितना यहां आया था वही आ जाएगा अपॉन 100 और कितने रुपीस आएगा 67,416. ओके, तो 1 year वाला जो उसने पूछा है उसका अमाउंट भी आ गया हमारा ये, और 6 month पर इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो सिर्फ इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था
कि जो उसने यहाँ पे 1 ईयर बोला है वो एक्चुअली 1 ईयर नहीं है, उस 1 ईयर का मतलब है कि 6 मंथ आप पहले फाइन कर चुके, 6 मंथ रिमेनिंग का आपको फाइन करना है। और क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में अमाउंट नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।